जीवन में सत्संग सबसे सबसे जरूरी चीज है। सत्संग मतलब ई नहीं कि खाली यहाँ बैठ के 3 घंटा कथा सुनल जा। सत्संग मतलब 24 घंटा ऐसन ऐसन जगह रहल जा जौने से हमार हृदय हमारा मन आनंदित रहे, हमारे मन में कलुष न आवे। मतलब एहर का चुगली ओहर का चुगली, इनका बुराई उनका बुराई, ये सब बहुत गलत बात है, जिंदगी में नहीं करना चाहिए ऐसा सब। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस को भात सुहाई। दिवस सुजन कुसंगत पर ही अनिमन समनि जगुन अनुसर ही, बंदौ संत समान चिता हित अनहित नहीं कोई, बंदौ संत समान चिता हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जनी सम सुगंध कर दो, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। तो बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक कौन सी चीज का नाम है? विवेक हमारे मन के भीतर, हमारे हृदय के भीतर, हमारे जीवन के भीतर एक ऐसी शक्ति है, वो तब काम आती है जब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प शॉर्टकट, तुरंत सामने दिखेगा कि थोड़ा सा समझौता कर लें फिर माल ही माल खूब कमाएंगे, खूब इकट्ठा करेंगे। और दूसरा लंबा सफ़र, जहाँ पे धीरे 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 कछुए की तरह चलना पड़ता है, सफलता थोड़ा समय में मिलता है लेकिन उस सफ़र पर जा कर के बदनामी नहीं होती है, उस पर आनंद मिलता है। तो जिसके भीतर विवेक होता है वो व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक वो शक्ति है कि हमको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देता, रोक के रखता है, पकड़ के रखता है। और ये विवेक आता कहाँ? सत्संग से आता है। सत्संग कैसे मिलता है? ऐसे फ्री फंड में नहीं मिल जाता है कि रास्ते में जा रहे हैं सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, ए भैया प्रसाद आप भी ले लीजिए, ऐसा नहीं है, सच बता रहा हूँ।
भगवान की जब सच में कृपा होती है ना, तब सत्संग मिलता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग जो है ना समस्त सुखों का, समस्त समस्त जो स्रोत है ना आनंद का, उसका साधन है। और सत्संग के बारे में कहा गया है कि सत्संग में अगर कोई जाएगा, सत्संग में कोई रहेगा, याद रखिए जब मैं सत्संग की बात कर रहा हूँ, ये 3 घंटे वाले सत्संग की बात नहीं हो रही है, जीवन भर 24/7 वाले सत्संग की बात हो रही है। घर में रहले से लेके और बहरा निकलने तक, खैले पीले से लेके उठले बैठले सुतले तक, देखले तक सुनले तक, हाँ जब सब नीक नीक रही तब जाके जिंदगी में भगवान का दर्शन हुई, भगवान का कृपा हुआ। जो सत्संगी होता है ना उसका स्वभाव कैसा होता है, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सांपे के फन में मड़ी होता है, लेकिन फन में जो मड़ी है ना उसमें जहर नहीं घुसता है, वो जहर से अप्रभावी रहता है। ऐसे जो लोग सत्संगी होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनके जीवन में कभी किसी और का दोष घुसता नहीं है, वो हमेशा निर्दोष बने रहते हैं।